ओके गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। तो अभी फर्स्ट और सेकंड सेशन में जो किया था उसका रिवीजन हम आज करेंगे। तो एक कैलकुलेशन हम करके देखेंगे अभी। तो जैसे एसआरएफ अपने सामने है तो एसआरएफ का ही कैलकुलेशन एक करके देखते हैं। ओके या फिर निफ्टी का करके देखते हैं। तो निफ्टी का अभी तक किया नहीं है ना, तो इंडेक्स फ्यूचर क्या होता है वो भी पता चल जाएगा सबको। ठीक है, तो जैसे कोई नया कैलकुलेशन आपको करना है तो ये प्लस साइन दिया है यहाँ पे, प्लस पे क्लिक करेंगे न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। करते तो क्लियरिटी आ जाता। नहीं सर ठीक है, हर बार नहीं, अभी इंडेक्स भी तो करना है ना कवर। प्रोसीजर तो वही है, आपके पास जो कार है वो चलाओ, आप टेक्निक सीख लो यहाँ से। ठीक है, तो इंडेक्स के लिए अभी करना है तो फ्यूचर इंडेक्स लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इंडेक्स मतलब क्या, निफ्टी बैंक निफ्टी हम जो बोलते हैं वो इंडेक्स हो गया। तो इंडेक्स में कभी भी इक्विटी स्क्रिप्ट नहीं होता है। जैसे आप रिलायंस में आप एक दो शेयर ले सकते हो, बट इंडेक्स ये कोई कंपनी नहीं है कि जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते। ये तो बस बस फर्स्ट 50 कंपनीज का एक एवरेज परफॉर्मेंस वो निफ्टी बता रहा है। ओके, सो निफ्टी कोई एसेट नहीं है ऐसा कि जिसे हम बाय कर सकते हैं, लेकिन उसका रेट ऊपर नीचे होता है तो एक्सचेंज ने उस पर ट्रेडिंग अलाउ किया है। सो इंडेक्स पे निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में टॉप 30 प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक के है, उनका एवरेज परफॉर्मेंस होता है तो उस पर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स ये जो इंडेक्स है इसमें खाली फ्यूचर इंडेक्स ही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है अगर आपको उसमें ट्रेडिंग करना है। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेक्स सिलेक्ट किया, फिर इसके बाद निफ्टी डाल दिया यहाँ पे, सिलेक्ट ईयर में 2021। अभी यहाँ पे एक्सपायरी होता है तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आया, मतलब मैंने जैसे आपको बोला था कि जब भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हम काम करते हैं तो फ्यूचर, तो उसको एक फ्यूचर का डेट रहता है, वो डेट के अंदर अंदर आपको सेटल करना होता है आपका ट्रेड, अदरवाइज वो लास्ट डेट पे जो भी रेट चलेगा आपका ट्रेड सेटल हो जाएगा। मतलब जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपका एक्सपायरी क्या रहेगा, अगर हम एक्सपायरी बोलते हैं इंट्राडे में, तो आपका एक्सपायरी रहेगा कि दोपहर को 3:15 बजे से पहले पहले आपको जो भी ट्रेड लिया है वो निकालना कंपलसरी है। अगर आप नहीं निकालते हो तो ऑटोमेटिकली 3:15 बजे के बाद जो भी रेट चल रहा है उस पर आपका ट्रेड जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इंट्राडे। तो वैसे ही जैसे आप फ्यूचर में काम करते हो, मतलब आपको पोजीशन कैरी करना है तो उसमें मंथली एक्सपायरी होता है, एवरी मंथ का लास्ट थर्सडे एक्सपायरी होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि 30th September, ये करंट सितंबर मंथ का एक्सपायरी है, तो जो भी फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट हमने उठाए हैं, जो भी पोजीशन है वो 30 सितंबर को आपको स्क्वेयर ऑफ करने है, मतलब निकाल देना है पोजीशन, अदरवाइज अपने आप जो मार्केट पे जो प्राइस में मार्केट क्लोज हो जाएगा वो फ्यूचर वो प्राइस पे आपका लॉस प्रॉफिट बुक हो जाएगा। और वैसे ही एट ए टाइम मैक्सिमम 3 महीने तक आप पोजीशन रख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। तो देखो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 कॉन्ट्रैक्ट हमें अवेलेबल है, आप तीनों में से किसी एक में भी काम कर सकते हो। मोस्टली ट्रेडिंग या ज़्यादा वॉल्यूम जो होता है वो करंट मंथ में ही होता है। तो 30 सितंबर इसका एक्सपायरी है, तो आज 29 है, कल लास्ट डेट है, तो अगर इंट्राडे करना है तो आप कल का पूरा दिन आपके पास है, आप 30 सितंबर में भी काम कर सकते हो। लेकिन कल के बाद ये 30 सितंबर यहाँ पे दिखना बंद हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आपको 28 अक्टूबर, 25 नवंबर और दिसंबर का एक कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे कल से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे ही कल 30 सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा वैसे ही परसों से दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाएगा। मतलब किसी को पोजिशन बनाना है मैक्सिमम 3 महीने तक पोजिशन रख सकते हैं। ओके, ये कैरी फॉरवर्ड में, बाकी इंट्राडे करना है तो करंट मंथ में ही कॉन्ट्रैक्ट में काम करना है। तो 30 सितंबर यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ये कैसे क्या ऑप्शन लेना है वो सब मैंने नोट्स में ऑलरेडी स्क्रीनशॉट तो दिया ही है। ठीक है, तो यहाँ पे निफ्टी डाल दिया, निफ्टी 50 लिख देता हूँ मैं, और एंड डेट में जैसे कल के लिए ट्रेड निकाल रहे तो एंड डेट आ जाएगा आज का 29th, ये डेटा किया। अभी यहाँ से सब सेम ही है, स्विंग आ गया हाई, कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने पे अभी ये जो लेवल मिला है इसे क्या बोलेंगे हम, इनिशियल फेज बोलेंगे। ठीक है, जब 10th वैल्यू और स्विंग वैल्यू आपका सेम हो जाएगा और यही स्विंग जो रहे आपका 18,088, ये आपका
ये जो ग्रीन और रेड एरो के सामने जो वैल्यूज है इसके बीच में रहेगा डिफॉल्ट। सो इनिशियल फेज मतलब क्या है कि जब स्विंग वैल्यू ये ऑलरेडी मूव टू नेक्स्ट फेज के बीच में होता है, ओके, तब जो लेवल मिलता है उसे हम इनिशियल फेज कहते हैं। ठीक है, इतना आप समझ लो कि जब स्विंग वैल्यू रेड और ग्रीन एरो के बीच में रहेगा तब जो लेवल मिलेगा उसे हम इनिशियल फेज कहेंगे। वो ट्रेंड का मतलब ये जो डाउन ट्रेंड अभी स्विंग हाई मतलब डाउन ट्रेंड जो निफ्टी में चल रहा है इसका इनिशियल फेज क्या हो गया, स्टार्टिंग फेज क्या हो गया। तो जब कैलकुलेट बटन क्लिक करेंगे तो देखो 18,1808 ऑलरेडी दोनों के बीच में, तो ये जो लेवल है इनिशियल फेज हो। तो हमें फिर इनिशियल फेज पहले निकालना है, फिर वो इनिशियल फेज को ही आप अप फेज डाउन फेज करते जाएंगे तो आपका एक एक फेज मार्केट का जो है वो हमें आइडेंटिफाई होते जाएगा और करंट फेज हमें हमारा जो है वो निकलते जाएगा, वहां पे कैलकुलेशन आपको दिखते जाएगा। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इनिशियल फेज पहले निकालना है और फिर उसके बाद में आपको करंट फेज निकालना है। तो यहाँ पे तो सीधा कैलकुलेट क्लिक करने पे इनिशियल फेज अपने आप निकल रहा है, ठीक है, बट लाइव पे जब भी मार्केट ट्रेंड चेंज करता है तब हमें खुद होके इनिशियल फेज निकालना पड़ता है। तो वो हम ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाने के बाद, रिविजन के बाद वो कंसेप्ट हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे अभी इनिशियल फेज आ गया, करंट फेज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी चार्ट पे जाना पड़ेगा। सो निफ्टी में काम कर रहा हूँ मतलब एक्सचेंज क्या है मेरा, एनएससी है, ओके। निफ्टी फ्यूचर का डेटा लिया है तो आपको निफ्टी फ्यूचर का ही चार्ट लगाना है, ऐसा नहीं है कि फ्यूचर का डेटा और निफ्टी स्पॉट का चार्ट लगे। स्पॉट मतलब क्या, उसमें ट्रेडिंग नहीं होता है, ओके, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्ट जैसे इक्विटी कैश में कैसे स्क्रिप्ट चलता है उसको कुछ एक्सपायरी नहीं होता, वैसे ही निफ्टी है कि इक्विटी कैश में जो स्क्रिप्ट का प्राइस है उसके बेसिस पे एनालिसिस करके जो वैल्यू आता है उसको निफ्टी स्पॉट बोलेंगे, और फ्यूचर का एनालिसिस करके जो आ जाएगा यहाँ पे वो निफ्टी फ्यूचर बोलेंगे। तो ट्रेडिंग तो निफ्टी फ्यूचर में होता है, तो चार्ट भी आपको निफ्टी फ्यूचर का ही लगाना है। तो ये सितंबर का, 30 सितंबर का निफ्टी फ्यूचर का चार्ट मैंने लगाया, ओके। तो अभी इसमें चेक करेंगे लेटेस्ट डिसेसिव कैंडल, स्विंग हाई है मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मुझे लेटेस्ट डिसेसिव रेड कैंडल देखना है ना, ओके, समझ में आ रहा है क्या, डाउन ट्रेंड है तो लेटेस्ट डिसेसिव रेड कैंडल देखना है। वापिस नोट्स ओपन करने की जरूरत है, नहीं सर, नहीं सर, पहला एक कैंडल मिल चुका है। तो ये फर्स्ट वाला ही कैंडल अगर देखेंगे तो आपको डिसेसिव मिल रहा है, ओके। तो डिसेसिव कैंडल का दो कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या है कि कैंडल प्लेन होना चाहिए। प्लेन मतलब कैसे पता चलेगा, रेड कैंडल है तो ओपन इक्वल टू हाई होना चाहिए, ठीक है, तो ओपन इक्वल टू हाई है का ये कैंडल का, देखो 17739.80, ओके, सेम है ना, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा जूम कर देता हूँ, सेम है, ओके, ये देखो ओपन इक्वल टू हाई है, तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड होगा। और दूसरा कंडीशन है कैंडल मस्ट नॉट बी एन इनसाइडर कैंडल, किसी भी पिछले कैंडल का वो इनसाइडर कैंडल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसके देखेंगे पीछे का भी तो नहीं ऐसा कोई कैंडल दिख रहा है जिसके शेडो में ये सब कैंडल बनी है, तो ये नॉन इनसाइडर कैंडल है, तो दूसरा कंडीशन भी मैच हो गया। फिर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाने पे हम इसे बोलेंगे डिसेसिव कैंडल, मतलब ये हमारे काम का कैंडल है जिसपे हम डिसीजन ले सकते। तो डिसीजन लेने के लिए क्या करना है, ये कैंडल का जो भी ओपन वैल्यू है कितना है, 17739.80, ठीक है, तो इसे नोट कर लेंगे। तो खाली इतना ध्यान में रखो 739.80, ओके, तो 17739 कहाँ पे, दोनों के नीचे है ना, तो बीच में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब तक यहाँ पे 17739 से कम नहीं दिखता है तब तक आप डाउन फेस करते जाएंगे। 17957 आ गया, और एक बार करेंगे, 17898 आ गया, और एक बार करेंगे 787, ओके, तो 739 से कम दिख गया आपको यहाँ पे जैसे वैल्यू, स्टॉप हो जाएंगे, आगे नहीं जाना है, ओके, नहीं तो देखो आगे भी आप डाउन फेस कर देंगे
तो भी बीच में ही दिखेगा आपको 7:30, लेकिन ये नहीं चलेगा, ये एक स्टेप आगे चलेगा। तो फर्स्ट टाइम जब उससे कम वैल्यू दिख जाएगा आपको स्टॉप हो जाना। इसीलिए क्या करना है, हड़बड़ी नहीं करनी। क्लिक करने के बाद आप जैसे देखेंगे, ये देखो क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर मैसेज आता है ना, गेट डेटा सक्सेसफुली, तो ये मैसेज आने देना है। ये मैसेज जब आ जाएगा तो नेक्स्ट क्लिक करें, या फिर कभी कभी नेट स्लो होता है तो फटाक से 2-3 क्लिक करते ऐसे लगता है क्लिक नहीं हो रहा है और एकदम से 4-5 मैसेज आ जाते हैं। ओके, फिर उसमें कन्फ्यूज नहीं होना। ऐसा अगर हो जाता है तो वापिस से कैलकुलेट बटन क्लिक करो, अगेन स्टेप बाय स्टेप करते। ओके, इतना ध्यान रखना है। तो लेवल क्या हो गया निफ्टी का कल के लिए, 17,812 पे बाय और 17,764 पे शॉर्ट से। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना, रहेगा तो पूछो। हाँ, नहीं डेट और इंडेक्स के डाले उस पे जाइए सर, ऊपर थोड़ा। ये यहाँ पे निफ्टी आपने डाला ना सर, निफ्टी फ्यूचर सितंबर। ये तो नोट्स में दिया है सर मैंने, ठीक है। अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कल हमने जो सीखा कि लाइव मार्केट पे क्या करना है, अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो हमें क्या करना है, करेक्ट। तो अभी जो भी आपका बाय सेल पॉइंट है, हमें क्या करना है, फर्स्ट 15 मिनट कुछ नहीं करना है, 9:30 को हमें जो भी हमारा बाय और सेल पॉइंट है उस पर ऑर्डर लगा देना है, ठीक है। ऑर्डर कैसे लगाना है वो भी मैंने कल बताया था, उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने शेयर किया था, और यही नोट्स में अगर आप देखेंगे तो देखो लास्ट में इसी नोट्स में मैंने ऑलरेडी दिया है कि ऑर्डर प्लेस कैसे करना। कल तो मैंने आप स्टॉक्स के स्क्रीनशॉट ऑलरेडी चैनल पे शेयर कर ही दिया है। तो ये देखिए क्या करना है, बाय ऑर्डर में प्रोडक्ट टाइप रहेगा एमआईएस, किसी ब्रोकर के पास एमआईएस रहेगा, किसी के पास इंट्राडे लिखा रहेगा। ऑर्डर टाइप आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ट्रिगर प्राइस में आपका जो एंट्री पॉइंट है वो ट्रिगर प्राइस में जाएगा। प्राइस में जो टेक एंट्री अप टू पॉइंट, मतलब आपके एंट्री पॉइंट के नीचे जो वैल्यू दिया होता है, ओके, ये टेक एंट्री अप टू पॉइंट वो आपका प्राइस में जाएगा। तो ये रेंज बन जाएगा आपका बाइंग का, कितना 812 से लेके 820, ये रेंज हमें वहां पे देना होता है, ठीक है। और फिर प्राइस में टेक एंट्री अप टू हो गया, और क्वांटिटी में आपको जो क्वांटिटी रखना है वो आप रख, ठीक है। अभी इसमें जैसे जैसे बाय का लगा है वैसे ही तुरंत आपको सेल का ऑर्डर लगाना है, नहीं तो फिर बोलते कि अभी बाय का लगा दिया है बाद में सेल का ऑर्डर लगाएंगे, तो ऐसा काम कभी नहीं करना है। एट ए टाइम आपको दोनों ऑर्डर लगा के ही, कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो दोनों ही ऑर्डर लगाना है, या एक भी नहीं लगा। ओके, बाय और सेल दोनों ऑर्डर आपको एट ए टाइम प्लेस कर देने, क्योंकि उनमें से कोई एक ऑर्डर अगर ट्रिगर हो जाता है तो दूसरा ऑर्डर अपने आप आपका स्टॉप लॉस बनने वाला है, तो आप सामने भी रहेंगे नहीं रहेंगे मार्केट के, और कुछ हो जाता है मार्केट एकदम से गिर जाता है तो भी आपका जो ट्रेड है वो सेल ऑर्डर जैसे ही आएगा जीरो हो जाएगा, +10 था -10 हो जाएगा, आपका लॉस बुक हो जाएगा, आपका कैपिटल सेफ रहेगा, जितना सोचा था उतना ही लॉस आपका हो, ठीक है। बाद में देखेंगे फिर, और इनकेस नहीं सामने हो स्टॉप लॉस नहीं जाता और मार्केट ऊपर 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 ही जा रहा है तो प्रॉफिट के लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं है, 3:15 बजे जो भी प्रॉफिट चल रहा है उस पर ऑटोमेटिकली ट्रेड निकल जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है, ऐसा ना हो कि ट्रेड मिल गया है और उसी दिन मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स कर दिया और रिवर्स ट्रेंड में रिवर्स ट्रेड लेना था, आपने स्टॉप लॉस लगाया नहीं और पता चला कि 50% कैपिटल वॉश आउट, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। इसलिए एट ए टाइम दोनों ऑर्डर आपको प्लेस करना है, ठीक है। फिर इसमें मैंने और एक आपको स्क्रीनशॉट बताया था जो बेसिक्स वाले नोट्स में मैंने लास्ट में शेयर किया है, ये कि कब कौन से ऑर्डर प्लेस करनी है ये कैसे पता चलेगा। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाला है, नहीं डाला तो मैं डाल दूंगा। तो ये ऑलवेज अपने सामने रखना है, तो कभी भी ऑर्डर प्लेस करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, कन्फ्यूजन नहीं होगा। करंट मार्केट प्राइस से अगर ऊपर के साइड में, ओके,
ज्यादा प्राइस में आपको बाय ऑर्डर लगाना है, तो फिर ऑर्डर टाइप कौन सा आ जाएगा आपका, ये दो कॉलम बाय का है और ये दो कॉलम सेल का है, और करंट मार्केट प्राइस मतलब ये मिडल लाइन है, और करंट मार्केट रेट से आपको ज्यादा रेट में अगर बाय ऑर्डर लगाना है तो ऑर्डर टाइप आ जाएगा एसएल, और करंट मार्केट रेट से अगर आपको ज्यादा रेट में सेल ऑर्डर लगाना है तो ऑर्डर टाइप आ जाएगा, और वही करंट मार्केट रेट से कम रेट में अगर आपको बाय ऑर्डर लगाना है तो आप लिमिट ऑर्डर लगा दो सीधा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही प्राइस डालेंगे, लेकिन मार्केट के अगेंस्ट ऑर्डर डाल रहे मतलब करंट मार्केट रेट से कम प्राइस में आप बेचने के लिए सेल का ऑर्डर डाल रहे हो तो आपका ऑर्डर टाइप आ जाएगा एसएल, फिर उसमें ट्रिगर प्राइस आपको डालना हो, ठीक है। तो जैसे 9:30 बजे भी मार्केट ओपन होता है और आपको दिख रहा है कि ऑलरेडी मार्केट गैप अप हो गया है, मतलब मेरे बाय पॉइंट है 1250 और मार्केट चल रहा है 1270, ओके, तो आपको सपोज दैट या मार्केट चल रहा है 1270 चल रहा है सपोज, और आपको बाय ऑर्डर लगाना है 1230 पे, तो आप क्या करेंगे कि ऑलरेडी मार्केट मेरे बाइंग ऑर्डर से ऊपर है तो आप लिमिट ऑर्डर लगाते, तो वो कैसे होता है कि आपको एसएल ही ऑर्डर लगाना है मॉर्निंग में, अगर एसएल ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है तो वहां पे लिख के आता है कि यूअर ट्रिगर प्राइस इज ऑलरेडी ट्रिगर, ऐसा लिख के आता है, किसी किसी ब्रोकर के केस में लिख के आता है, किसी ब्रोकर केस में ऑटोमेटिकली ऑर्डर लिमिट हो जाता है, ओके। तो जैसे हम प्रॉफिट मार्ट में ट्रेड करते हैं तो प्रॉफिट मार्ट में ऑटोमेटिकली लिमिट हो जाता है, बट ऑब्स्टॉक्स में या जीरोधा में लगाते तो फिर वहां पे वो मैसेज शो करता है कि यूअर ट्रिगर प्राइस हैज ऑलरेडी ट्रिगर, मतलब आपका जो मार्केट है वो ऑलरेडी आपके बाय पॉइंट के ऊपर चला गया है, तो आपको पता चलेगा कि मेरे एंट्री पॉइंट से ऑलरेडी मार्केट ऊपर है, मतलब नीचे के रेट में अगर मैं बाय लगा रहा हूँ तो आपको लिमिट ऑर्डर लगेगा, तो वैसा मैसेज आता है तो ही लिमिट लगाना है, अदरवाइज ऑर्डर तो एसएल ही लगाना है, एसएल ऑर्डर लगाएंगे कभी गलती नहीं होगी, ओके। मार्केट में रेट क्या चल रहा है, क्या ऑर्डर लगाना है समझ में नहीं आ रहा है, सीधा एसएल ऑर्डर लगाओ, भले वो टारगेट के लिए लगाओ, एंट्री के लिए लगाओ या स्टॉप लॉस के लिए लगाओ, एसएल ऑर्डर लगाएंगे, ट्रिगर प्राइस प्राइस दोनों डालेंगे, कभी आपका ऑर्डर गलत नहीं लगेगा, ओके। इतना ध्यान रखना है, बाद में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर वो प्रॉब्लम भी नहीं दे रहेगा, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट अपने पास रखना, ये हो गया। अभी इसके बाद नेक्स्ट चीज हमने कल क्या देखे थे कि लाइव मार्केट पे 9:30 बजे तो चलो ऑर्डर प्लेस करो, बट 9:30 बजे अगर मार्केट मेरे बाय या सेल पॉइंट से ऊपर या नीचे चल रहा है, मतलब गैप अप या गैप डाउन मार्केट हो गया है, तो हमें क्या करना है, लाइव मार्केट इम्प्लीमेंटेशन में हमने वो देखा है। ओके, ये लाइव मार्केट इम्प्लीमेंटेशन, यदि मार्केट बाय और सेल पॉइंट के ऊपर ओपन होता है, ठीक है, यदि बाय पॉइंट के ऊपर खुलता है, मतलब 9:30 बजे जो अपना बाय पॉइंट है उससे ऊपर मार्केट चल रहा है ऑलरेडी, तो मुझे क्या करना है, उसी प्राइस पे रुकना है कि करंट मार्केट रेट पे ट्रेड ले लेना है, ये डिसीजन हम कैसे लेंगे, तो इसमें क्या करना है मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि 9:30 को ऑर्डर प्लेस करने के बाद तो 9:30 का भी कैंडल आपको क्लोज होने देना है, पहला आधा घंटा कोई भी फेज कैलकुलेशन नहीं होगा, आपका जो कल का लेवल है उसके लेवल पे ही आपको ऑर्डर लगा के रखना है, भले मार्केट कितना भी गैप अप रहेगा, प्राइस कितना भी ऊपर चल रहा है, आपको उसी प्राइस पे बाय ऑर्डर लगा के रखना है, ठीक है। और फिर 9:30 बजे का कैंडल जैसे ही क्लोज हो जाएगा, मतलब पहला आधा घंटा हो जाएगा, पहले दो कैंडल बन जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, जो लेटेस्ट डिसेसिव कैंडल हम देखते हैं ना, वो देखेंगे कि अभी लेटेस्ट डिसेसिव कैंडल उसमें मिल रहा है क्या, मिल रहा है तो उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। लेटेस्ट डिसेसिव को यूज करने के बाद आपको नया फेज आ जाएगा, एक तो एक अप फेज करेंगे आप, बाय के ऊपर खुलता है मतलब डेफिनेटली अप फेज ही करेंगे, तो आपको नया बाय और सेल पॉइंट आ जाएगा, तो उसी ऑर्डर को क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, नए बाय और सेल ऑर्डर, बाय और सेल पॉइंट पे उसको मॉडिफाई करके रख देंगे, लेकिन करंट मार्केट रेट पे बाय नहीं करेंगे, ठीक है। अगर उसी प्राइस के आसपास मार्केट आता है तो अपने आप आपको ट्रेड मिल जाएगा। तो ये कब तक करना है आपको, जब तक मार्केट पहले आधे घंटे का हाई ब्रेक करके नया हाई नहीं बना। तो पहले आधे घंटे का हाई मतलब क्या है, पहला जो भी दो कैंडल रहेगा वो दो कैंडल में से सबसे ज्यादा हाई जो कैंडल बनाएगी उसे हम पहले आधे घंटे का हाई कहेंगे, ठीक है। तो वो जो पहला हाई बनेगा वो हाई आपको ब्रेक होने देना, फिर वो हाई ब्रेक करके जो भी नया हाई मार्केट में बनता है उसके ऊपर ही आपको बाय करना रहेगा,
अदरवाइज तब तक जो भी डिसिसिव कैंडल बनते जाएगा उसे हम यूज करते जाएंगे और बाय पॉइंट पे बाय रखते जाएंगे। तो पहले आधे घंटे का है मतलब क्या है, देखो ये फर्स्ट 9:15 का कैंडल है और ये 9:30 का कैंडल है, 15 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लगाया है। तो ये दोनों कैंडल में से जो कैंडल का हाई सबसे ज्यादा है वो आपका पहले आधे घंटे का हाई हो, तो वो आपका फर्स्ट हाई हो गया। जैसे दिन शुरू होते ही मार्केट ओपन होते तो वो हाई ब्रेक होने देंगे। जैसे यहाँ पे कैंडल है, कैंडल का है 9:45, तो 9:45 को ब्रेक होने देना, तब तक हमें वेट करना है। ओके, फिर क्या होता है, ऐसे मार्केट नीचे आता है तो कभी कभी लगता है मार्केट गैप अप है। ओके, जैसे अभी इतना ही देखो गैप, तो ऐसे लगता है मार्केट तो गैप अप खुला है, लेकिन फिर मार्केट नीचे आता है और कोई डिसिसिव कैंडल मिला ही नहीं। आप इसी कैंडल का इस्तेमाल करके अगर बैठे हो तो यहाँ पे मार्केट आपका बाय ले लेता है और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। तो ये यहाँ पे आपका पेशेंस जो है वो चेक होता है। इसीलिए हमने कंडीशन क्या दिया है कि पेशेंस कब तक रखना है, जब तक पहले आधे घंटे का हाई ब्रेक करके नया हाई जो बनेगा, मतलब सेकेंड हाई जो बनेगा वो हाई ब्रेक जैसे ही हो जाएगा, मतलब सेकेंड हाई जैसे ही ब्रेक हो जाएगा, फिर आपको नीचे वेट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा करंट मार्केट रेट पे बाय ट्रेड ले सकते हो। अभी ये सिचुएशन 10 में से दो बार एक बार आ सकती है आपके आपके साथ, अदरवाइज मार्केट करंट फेज के बाय पॉइंट पे ही आता है बाय लेने। ठीक है, तो हाई ब्रेकआउट का कंडीशन अंडरस्टैंड कर लो, बाकी लाइव मार्केट पे काम करते करते वो आपको अंडरस्टैंड हो ही जाएगा। इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है कि सुबह 9:30 बजे जैसे ये कैंडल क्लोज हो जाएगा, आपको क्या करना है, कल का डिसिसिव कैंडल आपने ये यूज किया था, सपोज ग्रीन कैंडल देख रहे हो तो कल तक का डिसिसिव तो ये रहेगा ना, बराबर। लेकिन सुबह जैसे ही नया डिसिसिव कैंडल बन जाएगा तो उसे भी तो हमें यूज करना है कि नहीं, मुझे तो ऑलवेज लेटेस्ट डिसिसिव कैंडल को यूज करके जो फेज आएगा वो मेरे लिए करंट फेज रहेगा। तो लेटेस्ट डिसिसिव कैंडल सुबह 9:30 बजे तो ये हो गया, बट उसको तुरंत यूज करना है क्या, नहीं, पहले आधे घंटा कुछ नहीं करना, पहले आधे घंटा मार्केट वोलेटाइल है, सब चीजें हम हमारे एंट्री पे ही ऑर्डर लगा के रखेंगे। जैसे ही 9:45 बजे ये कैंडल दूसरा क्लोज हो जाएगा, फिर हम देखेंगे दोनों में से लेटेस्ट डिसिसिव कौन सा है, तो ये डिसिसिव दिख रहा है, फिर इसका ओपन यूज करके देखेंगे बीच में है क्या, बीच में है तो लेवल में कोई चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन अगर बीच में नहीं है तो लेवल अपफेज हो जाएंगे। मतलब कितना भी मार्केट ऊपर खुलता है तो अगर आपको पहले आधे घंटे में कोई कैंडल डिसिसिव मिल जाता है तो अपने आप आपका लेवल ऊपर आने वाला है, ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत नीचे रहेगा और मार्केट ऊपर, पहला आधा घंटा खाली आपको पेशेंस है। ठीक है, फिर इसके बाद में जैसे जैसे डिसिसिव बनते जाएंगे हम यूज करेंगे। ठीक है, तो और फिर उसी केस में अगर मार्केट ने हाई ब्रेकआउट का कंडीशन दे दिया तो सीधा मार्केट ट्रेड पे हम बाय। ठीक है, तो ये हमें देखना है। और हाई ब्रेकआउट पे बाय भी नहीं करते हो, ट्रेड भी नहीं लेते हो, सिर्फ लेटेस्ट डिसिसिव कैंडल आते जाएगा उसके बाय पॉइंट पे ही मैं बाय लगाते जाऊंगा उसको अपडेट अपडेट, तो कभी ना कभी दिन भर में मार्केट में पुल बैक आता ही है, वो पुल बैक में आपको ट्रेड मिल जाएगा। ओके, भले आपको 11 बजे ट्रेड मिलके 12 बजे आप टारगेट लेके निकलते तो आपको वैसा ना होते हुए आपको 11:30-12 बजे ट्रेड मिलेगा और आप उसके बाद में 1:30 बजे निकलोगे, लेकिन आपको उतना टारगेट तो मिल जाएगा। ओके, सो ये भी काम आप करते हो कि सर मुझे टाइम नहीं हाई ब्रेकआउट वगैरह देखने के लिए, तो भाई जो भी हर आधे घंटे में मार्केट के सामने आओ, जो भी लेटेस्ट डिसिसिव कैंडल बना है खाली उसका ओपन बीच में है कि नहीं चेक करो, बीच में है तो ऑर्डर मॉडिफाई नहीं होगी, अगर बीच में नहीं है तो सिर्फ उसको बीच में लाके जो करंट पे जाएगा उस पर आप ऑर्डर मॉडिफाई करते जाओ, अपने आप आपको ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, सेम कंडीशन आपका रहेगा सेल के लिए कि यदि मार्केट सेल एंट्री पॉइंट के नीचे चल रहा है या नीचे खुलता है तब हमें क्या करना है, तो वही सिचुएशन है जो मैंने हाई के लिए बोला है वो यहाँ पे लो के लिए हो जाएगा। पहले आधे घंटे में जो भी लो बनाएगा मार्केट, वो आपका पहला लो हो गया, वो लो को ब्रेक होने देना है, मतलब उससे कम प्राइस पे जब भी मार्केट नया लो बनाएगा, पहला लो बन गया आपका समझो 950 का, तो तीसरे कैंडल ने आपका लो बना दिया 945 का, तो सेकेंड लो आपका आ गया, अभी डे का सेकेंड लो आ गया 9:45, तो अभी 9:45 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो मैं सीधा, जैसे 9:45 के नीचे 9:44 आपको दिख रहा है मार्केट, आप सीधा शॉर्ट सेल ट्रेड ले लो, फिर रुको मत। लेकिन 80% टाइम क्या होता है कि मार्केट क्या करता है, सेकेंड लो भी बनाता है, फिर 9:45 को ब्रेक नहीं करता है, वहां से पीछे जाता है, कहां तक,
जो भी आपका लेटेस्ट डिसीजन कैंडल है, सपोज दैट आपका जो 10 बजे का ही कैंडल जो आ रहा है आपका 10 से सवा 10 का तीसरा कैंडल, वही डिसीसिव है, आप उसको यूज कर लेंगे। तो उसको यूज करने के बाद आपका सेल पॉइंट ऑलरेडी नीचे आ गया है, मार्केट वहां तक ऊपर आएगा, आपका सेल लेगा और बाद में नीचे जाएगा। तो आप वही 940 पे शॉर्ट सेल करने वाले थे, वही ट्रेड आपको ऊपर 960 पे शॉर्ट सेल करने के लिए मिल जाता है। ओके, तो ये पेशेंस खाली मार्केट में रखना, और एक बार एंट्री हो गया तो बाद में फिर इजी है। एंट्री हो गया तो खाली टारगेट और स्टॉप लॉस लगा देना है, फिर मार्केट देखते हुए बैठने की भी जरूरत नहीं है। टारगेट जाएगा तो स्टॉप लॉस कैंसिल कर देंगे, स्टॉप लॉस जाएगा तो टारगेट कैंसिल। ओके, ये काम हमें करना है। तो सुबह एंट्री बनाने के लिए आपको क्या करना है कि एटलीस्ट आपको हर आधे घंटे में आके मार्केट को देखो, 9:15 से 9:30 देखना ही नहीं है, 9:30 बजे के बाद में आप एक बार चेक कर लो क्या मार्केट में सिनेरियो है। ओके, 9:30 से 9:45 का कैंडल क्लोज हो गया, लेटेस्ट कैंडल यूज करके जो लेवल आएगा उस पे आप ऑर्डर लगा दो, बस इतना काम करो, तो वो तो ट्रेड मिल ही जाते, ठीक है। ये प्रैक्टिस से होगा, और किसी को मॉर्निंग में टाइम भी नहीं मिलता है और 11 बजे मार्केट में आ रहे तो क्या करेंगे, वही प्रोसीजर रहेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा। 11 बजे तक का जो डिसीसिव कैंडल है उसको यूज करेंगे, जो करंट फेज आएगा उसके बाय सेल पॉइंट पे ऑर्डर लगा देंगे, ट्रेड मिल जाएगा, टारगेट स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो ऐसा नहीं है कि सुबह बहुत बड़ा मूवमेंट आ गया तो आज दिन भर अभी कुछ काम करके फायदा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप जब भी मार्केट में आओगे तब तक का जो लेटेस्ट डिसीसिव कैंडल रहेगा वो आपके लिए और हमारे लिए सबके लिए वही रहेगा, सबका लेवल वो कैंडल बनने के बाद, सब लोग उसे ही यूज करने वाले हैं। कोई बंदा फ्रेश कैलकुलेशन कर रहा है वो डायरेक्टली उसको यूज करेगा, कोई किसी बंदे ने कल से ही करके रखा है, जैसे जैसे डिसीसिव आएगा वो उसको यूज करते जाएगा। ओके, तो सबके लिए 11 बजे लेवल सेम ही रहेगा, चाहे वो नया बंदा एंट्री कर रहा है मार्केट में या किसी ने ट्रेड लेके रखा है, ठीक है। और ये क्यों करना है करंट फेज, तो करंट फेज निकालने की जरूरत क्यों है, आपने पहले ट्रेड तो ले लिया है तो फिर चलो आपने टारगेट स्टॉप लॉस लगा दी, बट आपने टारगेट पे पूरा नहीं, मतलब माल जो है पूरा नहीं बेचा है, 100 क्वांटिटी लिया है तो 50 ही आपने बेचा, और आपको लग रहा है कि सर आज दिन भर मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे पूरा रैली कवर करना है, तो जो हाफ क्वांटिटी रहेगा उस पे आप कोई प्रॉफिट बुक मत करो। जो भी लेटेस्ट डिसेसिव कैंडल का यूज करते हुए करंट फेज आएगा, खाली अप फेज और डाउन फेज करना है, डेट में वगैरह कोई चेंजेस नहीं रहेगा, लेवल वही रहेगा, उसमें खाली अप फेज करते जाएंगे, और नया नया जो सेल पॉइंट आते जाएगा ना वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो उसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। तो ये तरीके से हम प्रॉफिट सिक्योर करते जाएंगे कि आगे चल के देखेंगे लाइव मार्केट पर जब भी आप काम करेंगे, तो सबसे पहले मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मॉर्निंग में एंट्री आपको बनाना जो मैंने बताया वो सीखना है, वो 90% काम है, वो हो गया तो उसके बाद में का जो प्रोसेस है वो सब 10% ही रहेगा। तो एंट्री बनाने का जो कंसेप्ट है कि 9:30 बजे ऑर्डर प्लेस करना है, गैप अप होता है तो हाई ब्रेक का कंडीशन देखना है, तब तक वेट करना है, और हाई ब्रेक के कंडीशन तक अगर कोई डिसीसिव कैंडल आता है तो उसके करंट फेज पे आपको वो बाय और सेल ऑर्डर लगा के रखना है, बस इतना अंडरस्टैंड करना है आपको। इतना अंडरस्टैंड हो गया और इम्प्लीमेंट करने करते आने लगा तो 90% आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, इंट्राडे का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। और अगर बीच में खुलता है मार्केट तो कोई प्रॉब्लम है क्या, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बाय पॉइंट और सेल पॉइंट के बीच में खुलता है तो फिर बाय पॉइंट पे बाय और सेल पॉइंट पे सेल मैंने लगा के रखा है, तो बीच में कहीं पे मुझे बाय नहीं करना है। अगर मेरा 1270 पे बाय है और 1250 पे मेरा शॉर्ट सेल का पॉइंट है और मार्केट 1260 चल रहा है तो मुझे कुछ नहीं करना है, दोनों ऑर्डर लगा के रखना है, नहीं तो बोलेंगे सस्ता मिल रहा है तो बाय कर लेता हूँ, और पता चला 1260 पे बाय किया और मार्केट 1230 चला गया तो ये नहीं चलेगा। जो हमारा बाय सेल एंट्री पॉइंट है उस पे ही हमें ट्रेड लेना है। सस्ता या महंगा के कब डिसाइड होगा, मेरा ट्रेड होने के बाद मार्केट कहाँ पे जाता है वो डिसाइड करेगा मेरा ट्रेड सस्ता है कि महंगा है। ओके, खाली प्राइस पे जाके कभी भी बायस नहीं होना है, ठीक है। ऑर्डर प्लेसमेंट भी हो गया, अभी अभी इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। ये चीज जो चीज बताया है वो चार्ट दिखाने से थोड़ा ठीक रहता है, वो से पता चलता है। हेलो, हाँ सर, तो सर ये पूरा मोबाइल पे कर सकते हैं ना? हाँ, मोबाइल पे भी आपको डेमोंस्ट्रेशन दे दूंगा कि मोबाइल पे कैसे करना है ना। ओके, आपको डेमोंस्ट्रेशन में दे दूंगा।
ओके सर, चार्ट पे भी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। हमारे पास अभी आज वेनेसडे ना, तो और दो सेशन है ना, ओके तो उसमें एग्जांपल्स ही चलेंगे। तो एग्जांपल में है ना, मैं ये सब केसेस का स्पेशल स्पेशल एग्जांपल देख के आपके लिए मैं यहाँ पे केस स्टडी में भी स्पेशल एग्जांपल ले लूंगा। ओके अभी मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि कंसेप्ट जो है आपको पूरा जो कंसेप्ट है वो डिलीवर कर देना है पहले, क्योंकि क्या होता है कि अभी मैंने कुछ एग्जांपल भी लिया ना तो आधा अधूरा कंसेप्ट है, तो मैं उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको जितना समझ में आया है ना उतना ठीक है। ओके अभी आगे का मेरे लिए कंसेप्ट क्या है कि जब मार्केट ट्रेंड चेंज करता है तब मुझे लेवल में कोई चेंजेस करने हैं, वो क्या करना है वो एग्जैक्टली मैं आपको अभी बता देता हूँ। फिर कल और परसों हमारा एग्जाम्पल ही चलने वाला है। ठीक है, तो इसमें और ये कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, फिर उसमें ये भी देखेंगे कि लाइव मार्केट पे क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हमने ट्रेड लिया, मार्केट कैसे कैसे ऊपर गया, फिर लेवल कैसे चेंज होते गया, जैसे मैंने आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोला है या करंट फेज लाइव मार्केट के साथ निकालने के लिए बोला है, वो भी चीज देखेंगे। लेकिन उसके बीच में मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया है तो कैलकुलेशन थोड़ा चेंज करना पड़ता है, अगर वही मालूम नहीं है तो फिर तो मैं आपको गलत बैक टेस्टिंग करवा रहा हूँ, ऐसा हो। तो अभी नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे लिए क्या रहेगा कि चेंज ऑफ ट्रेंड, मार्केट जब भी ट्रेंड चेंज करता है तो हमें क्या करना है, इसका नोट्स यहाँ पे दिया है क्या? इसमें मैंने पूरा वो कंसेप्ट दिया ही है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या वो भी मैंने लिख के दिया है। चेंज ऑफ ट्रेंड का कंसेप्ट इंग्लिश में दिया है यहाँ पे पूरा, आई थिंक सो। लाइव मार्केट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ये जैसे हिंदी में आपको इंट्राडे का दिख रहा है ना, वैसे चेंज ऑफ ट्रेंड का भी मैं डाल दूंगा। एक मिनट चेक करता हूँ, आई थिंक बनाया है वो। ठीक है सर, मराठी में बनाया वो करेक्शन इंट्राडे, तो उसे हिंदी में भी बना के मैं कल पोस्ट कर दूंगा। मराठी वाला तो मैं भेज ही देता हूँ अभी ग्रुप पे, हिंदी वाला भी मैं पोस्ट कर दूंगा। ओके सो लेवल करेक्शन इन इंट्राडे व्हेन मार्केट चेंजेस इज ट्रेंड। ओके सो इतना ही कंसेप्ट है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे इंग्लिश में ऑलरेडी दिया है, ओके करेक्शन चेंजिंग ऑफ ट्रेंड कैलकुलेशन, तो इंग्लिश में रीड करेंगे तो ऑलरेडी अवेलेबल तो ही, किसी को स्पेशली लगता है हिंदी में ही चाहिए इसलिए वो मटेरियल डेवलप कर रहे हैं। कैलकुलेशन विथ स्विंग लो, तो यहाँ पे क्या है कि एक अंडरस्टैंड कर लेना है कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है तो स्विंग क्या होता है हमारा, लो होता है, करेक्ट। और कैंडल कौन सा देखते हैं हम, ग्रीन कैंडल देखते हैं। लेकिन जब मार्केट में ट्रेंड चेंज हो जाता है तो हमें क्या करना है, जैसे कल मैंने स्विंग लो था और लेटेस्ट डिसेसिव ग्रीन कैंडल देखा था, ओके और सुबह अगर मार्केट में बाय ट्रेड मिल जाता है तब कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय ट्रेड मिला है तो आप ग्रीन कैंडल ही देखते जाएंगे आगे भी, ओके। लेकिन मॉर्निंग में आपको शॉर्ट सेल का ट्रेड मिल जाता है तो मतलब एडवांस में क्या हो गया, हमें पता चल गया कि मार्केट आज डाउन ट्रेंड में आ गया, करेक्ट। तो मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में आया है तो आइडियली हमारा स्विंग क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए कि नहीं, करेक्ट। बट हमने जो कल कैलकुलेशन करके रखा है वो तो स्विंग लो से किया है, तो वो केस में हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा वो लेवल में। करेक्शन मतलब क्या कि जो भी लेटेस्ट हाई बना के मार्केट नीचे आया है ना वो मेरे लिए स्विंग हाई हो जाएगा,
वो हाई को मुझे बीच में लाना पड़ेगा रेड और ग्रीन एरो के, अभी ये मैं आपको करके भी बताऊंगा। तो पहले ये जो लिखा है उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। सपोज आर कैलकुलेशन स्टार्ट विद स्विंग लो एंड वी गेट बाय ट्रेड, मींस मार्केट इज इन अप ट्रेंड, ओके। सो देन कंटिन्यू सेम ट्रेड विद सेम लेवल, नो नीड टू गो फॉर करेक्शन, क्योंकि कल भी स्विंग लो था, आज भी बाय मिल गया है सुबह, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही लेवल चलेगा अपना। लेकिन अगर मॉर्निंग में आपको सेल ट्रेड मिलता है, तो सपोज आर कैलकुलेशन स्टार्ट विद स्विंग लो एंड वी गेट सेल ट्रेड, इट मीन्स वी गेट ट्रेड अगेंस्ट द स्विंग एंड मार्केट हैज रिवर्स इज ट्रेंड, मतलब कल मार्केट का ट्रेंड अप था लेकिन आज मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स कर दिया है। तो मार्केट ने जब भी ट्रेंड रिवर्स किया है, देन इन दिस केस आफ्टर टेकिंग शॉर्ट सेल एट सेल एंट्री पॉइंट, मतलब सेल एंट्री पॉइंट पे आप शॉर्ट सेल ले भी सकते हो, बट आइडियली मैं बोलता हूँ कि आप सामने हो मार्केट के, ट्रेड नहीं भी लिया तो भी चलेगा, पहले फेज करेक्शन कर लो, नया सेल पॉइंट आएगा उस पर आराम से ट्रेड लगा देंगे, ओके। तो यदि आपने सेल ले भी लिया है तो भी स्टॉप लॉस जो है वो डायरेक्टली वो नहीं आएगा जो बाय पॉइंट है, करेक्शन करने के बाद जो बाय पॉइंट आएगा वो आपको स्टॉप लॉस लगाना है उस, ठीक है। तो स्टॉप लॉस निकालने के लिए क्या करना है वो मैं थोड़ा टूल पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक मिनट, करेक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं। जिन्होंने आईडी पासवर्ड लिया उन्होंने प्रैक्टिस किया क्या कुछ? September 22 का HDFC का लेवल निकालते, ठीक है। तो HDFC बैंक का 22 तारीख के लिए लेवल निकालना है, तो डेट क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे 21, ओके। स्विंग कैलकुलेट कर लेंगे, अभी 22 सितंबर के लिए हम ट्रेड निकाल रहे हैं। यहाँ पे HDFC बैंक का मैं चार्ट लगा देता हूँ, चार्ट के लिए भी कल मैंने मार्केट पल्स का लिंक दिया था, तो आपने प्रैक्टिस किया होगा, ऐसा कंसीडर करता हूँ। ओके, तो ये 21 तारीख का लास्ट कैंडल है, 3:15 का, तो यही हमारा लास्ट कैंडल रहेगा ना, जब 21 तारीख को मैं इवनिंग में एनालिसिस कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी स्विंग क्या आया है, हाई, मतलब मार्केट कौन से ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, मुझे कौन सा कैंडल देखना है, लेटेस्ट डिसेसिव रेड कैंडल मुझे देखना है, करेक्ट। तो लेटेस्ट डिसीसिव रेड कौन सा रहेगा, यहाँ पे तो सब ग्रीन दिख रहे ना, ये एक रेड आ गया, डोजी है, ये भी डोजी है, प्लेन कैंडल चाहिए मुझे, तो ये रेड कैंडल मुझे दिख रहा है जो प्लेन है, मतलब ओपन इक्वल टू हाई है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है, कैंडल इनसाइडर नहीं होना चाहिए, तो ये कैंडल इनसाइडर है क्या, ये देखो पिछले कैंडल का इनसाइडर है क्या,
तो चलेगा क्या कैंडल? नहीं चलेगा, करेक्ट। तो फिर क्या करेंगे, उसके पिछले कैंडल पे जाएंगे। तो ये कैंडल मुझे मिल रहा है, ये ओपन है, इसका ओपन इक्वल टू हाई है 1538, ठीक है। और ये इनसाइड भी नहीं है पिछले किसी कैंडल के हाई या लो के रेंज में नहीं है। देखो लो का रेंज इधर ब्रेक हो, तो ये नॉन इनसाइडर कैंडल है। तो ये डिसेसिव कैंडल में यूज करूंगा, इसका ओपन है 1538, ठीक है 1538। क्या करना पड़ेगा, डाउन फेस करना पड़ेगा, ठीक है। डाउन फेस करते जाएंगे, सर माइक म्यूट रखो, नॉइस कहाँ से आ रहा है। 1553 आ गया, 1547 आ गया, 1540, ये 1538 से कम आ गया तो स्टॉप हो जाएंगे। तो HDFC बैंक का लेवल 22 तारीख के लिए क्या था हमारा, 1544 पे बाय और 1537 पे सेल, ओके। अभी देखो मार्केट तो दूसरे दिन खुलेगा, अभी हमने एनालिसिस कहाँ तक किया है, ये कैंडल तक एनालिसिस किया, ओके। तो चेंज ऑफ ट्रेंड जो कंसेप्ट है ना, वो दूसरे दिन भी आपको अगर स्विंग हाई है और आपको सेल मिल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्विंग हाई है और आपको बाय ट्रेड मिल जाता है या मार्केट ने बाय ट्रेड ले लिया है, तो फिर मार्केट ने ट्रेंड जो है वो चेंज कर दिया है, तो वो एक दिन पहले भी हो सकता है या दूसरे दिन लाइव मार्केट पे हो सकता है। तो कभी भी वो चीज अगर होता है, चार्ट पे आपको दिखता है या मार्केट में होता है, आपको करेक्शन का जो कंसेप्ट है वो यूज करना है। तो यहाँ पे देखो कि अभी हमने तो एनालिसिस सिर्फ यहाँ तक किया था, करेक्ट, बट 11:15 तक हमने किया था, बट इसके बाद में भी मार्केट में मूवमेंट आए कि नहीं। तो ये जो दोपहर को 3:15 बजे तक, 11:15 से 3:15 तक जो मूवमेंट आए, उसको भी तो एनालिसिस करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि मार्केट तो ऊपर गया और मेरा लेवल नीचे रह जाएगा, ऐसा चलेगा क्या। तो ये चीज जो सेम डे हुआ है वो नेक्स्ट डे होता है, कि नेक्स्ट डे मार्केट इधर खुल जाता है, कहीं पे तो ऊपर बाय ले लेता है बराबर, और फिर ट्रेंड चेंज हो गया, तो ये नेक्स्ट डे भी हो सकता है। तो यहाँ पे सेम डे हो गया, मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि मेरा डिसेसिव कैंडल देखने के बाद जो लेवल आता है उसके बाद में मार्केट ने रिवर्स ट्रेड नहीं लेना चाहिए, अगर लेता है तो फिर लेवल में करेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो HDFC बैंक का बाय क्या आ गया है 1544, 1543। अभी यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, मार्केट ने हाई किया है 1540, 1541, यहाँ पे हाई किया 1544। तो देखो एक दिन पहले ही मार्केट ने क्या किया था कि अपना बाय ट्रेड जो है, बाय पॉइंट जो है वो ले लिया था बराबर, तो मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स कर दिया था, ठीक है। तो ये केस में अभी क्या करना है कि जैसे मार्केट अभी अप ट्रेंड में आ गया है, बाय पॉइंट मार्केट ने ले लिया है, तो अप ट्रेंड में जब भी मार्केट आया है तो कैलकुलेशन मेरा स्विंग लो से होना चाहिए कि नहीं आइडियल। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि डाउन ट्रेंड के लिए जैसे मैंने स्विंग हाई यूज करके इनिशियल फेज निकाला था, वैसे अप ट्रेंड को एनालिसिस करने के लिए अभी मुझे स्विंग लो का यूज करके अप ट्रेंड के लिए इनिशियल फेज निकालना पड़ेगा। अभी स्विंग लो जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट वहां पे होगा नहीं, क्योंकि एंड ऑफ द डे के क्लोजिंग के बाद में ही वो इसे नेक्स्ट डे यूज करेंगे तो स्विंग लो बताएगा बराबर। तो अभी हमें क्या करना है कि ऑटोमेटिक एक्सचेंज पे तो अभी तक अपडेट ही नहीं हुआ है ना वो, तो फिर हम क्या करेंगे, हम अपने से खुद इनिशियल फेज कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास चार्ट है, तो जैसे यहाँ पे बाय हो गया आपको क्या करना है, पीछे आना और जो भी मार्केट ने सबसे ज्यादा नीचे लो लगाया रहेगा वो वैल्यू को, वो आपका स्विंग लो हो जाएगा। तो यहाँ पे लो क्या लगाया मार्केट ने, 1529 का लो लगाया है बराबर। तो 1529 ये सबसे लोएस्ट कैंडल है लेटेस्ट वाला आपका, ठीक है। आपका यहाँ पे बाय हो गया तो पीछे देखेंगे सबसे लोएस्ट कैंडल का लो देखेंगे 1529। तो 1529 अभी आपका स्विंग लो हो गया, तब जब टूल ने आपको एडवांस में बता दिया कि मार्केट अभी बाय ट्रेंड में आया है, तो 1529 ये जो स्विंग लो आपको मिला है, आपको क्या करना है 1529 को ये रेड और ग्रीन एरो के बीच में लाना है, ठीक है। तो 1529 बीच में है क्या, नहीं, तो डाउन फेस कर। 1529 बीच में आ गया, अभी ये जो लेवल आपको मिला है ना ये हो गया इनिशियल फेस फॉर बाय ट्रेंड, ओके। तो यहाँ पे आपको तो हाई ही दिखेगा, ये यहाँ पे चेंज नहीं होगा, लेकिन हमें मालूम है कि हमने क्या किया है कि स्विंग लो को रेड और ग्रीन एरो के बीच में लाया। तो मैंने क्या बोला था कि जब स्विंग ये दोनों एरोज के बीच में आता है, दोनों वैल्यूज के बीच में रहता है, तब जो लेवल मिलता है वो इनिशियल फेज होता है। पहले इनिशियल फेज निकाल लिया, अभी करंट फेज देखेंगे, मतलब अभी अब इससे पहले आप रेड कैंडल देख रहे थे,
अभी आप ग्रीन कैंडल देखना चालू करेंगे। तो सिंपली जब आप रेड कैंडल में से ग्रीन कैंडल देखना चालू करेंगे तो करेक्शन करना है, या ग्रीन कैंडल कल तक देख रहे थे और अभी रेड कैंडल में देखना चालू कर रहा हूँ तो फिर मुझे करेक्शन करना पड़ेगा। और कल ग्रीन देख रहा था और आज सुबह बाय ट्रेड मिलने के बाद भी मैं ग्रीन ही देख रहा हूँ, करेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि ट्रेंड वही कंटिन्यू है। ओके, तो ये केस में आपको खाली क्या करना है कि जो भी लेटेस्ट स्विंग बना है वो स्विंग को पहले एडजस्ट करना है यहाँ पे बीच में, तो वो हो जाएगा इनिशियल फेज। फिर इनिशियल फेज मिल जाने के बाद फिर करंट फेज निकालना स्टार्ट करेंगे। तो इतना काम करने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर लेटेस्ट डिसाइसिव ग्रीन कैंडल में, ठीक है। तो यहाँ से आगे जाएंगे तो एक पूरा उस दिन मार्केट क्लोज हो गया था, तो लेटेस्ट डिसाइसिव ग्रीन कैंडल, ये लास्ट वाला कैंडल ही, जैसे मुझे ये लास्ट वाला कैंडल है 15-15 का, ठीक है, उस दिन का, तो यही डिसाइसिव मिल रहा है, ठीक है। तो इसका ओपन क्या है, ओपन इक्वल टू लो है क्या पहले तो वो चेक करेंगे, ओपन इक्वल टू लो है क्या, है। ओपन क्या है 1549, ओके, तो 1549.75 वो बीच में है क्या चेक करेंगे। तो 49 अगर बीच में रहता तो यही पे रुक जाते, कुछ अपफेस करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बीच में नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, अभी अपफेस, ग्रीन कैंडल देख रहे हैं ना अभी, ओके, तो 1549 अभी भी बीच में नहीं आए हैं तो और एक बार अपफेस कर देंगे, आगे अभी बीच में स्टॉप हो जाएंगे। तो चेंज ऑफ ट्रेंड हो गया, स्विंग हाई था लेकिन मार्केट ने क्या किया था, बाय ट्रेड ले लिया था, तो हमने जो लेटेस्ट लो बनाया है बाय ट्रेड लेने से पहले उसको बीच में लाया, तो मुझे इनिशियल फेज मिल गया बाय ट्रेंड के लिए, और फिर मैंने लेटेस्ट डिसाइसिव ग्रीन कैंडल देखना स्टार्ट किया और फिर उसका ओपन को मैंने एडजस्ट किया। तो ये आपका लेवल आ गया फाइनल HDFC बैंक के लिए। तो ये होता है करेक्शन, ठीक है। तो जब ट्रेंड चेंज होता है तब ही आपको करना होता है, तो ये कोई स्क्रिप्ट में वीक में एक हद बार ये चीज होती है, बाकी नॉर्मली तो आपका वही ट्रेंड चलता है, लेकिन ये बताना जरूरी है, ठीक है। तो इससे आपका एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाएगी, और कोई ये यूज भी नहीं करता है, जो कल लेवल आया है उससे ही आप काम करते हो, तो वैसे भी मॉर्निंग में जो 9:30 बजे लेटेस्ट डिसाइसिव कैंडल आपको मिल जाएगा 9:30 का कैंडल क्लोज होने के बाद, उसे आप यूज करेंगे आपका लेवल आ जाएगा, आप उस पर भी काम करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी कोई तकलीफ नहीं है। जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस समझो एक महीने में आप 22 दिन ट्रेड कर रहे हो तो 4-5 दिन आपका स्टॉप लॉस जा रहा है, करेक्शन का फंडा यूज करेंगे तो उसमें से और 3 स्टॉप लॉस आपके बच जाएंगे, 2 ही दिन में आपका स्टॉप लॉस जाएगा, और नहीं करेंगे तो भी अल्टीमेटली 10-12-15 ट्रेड आपका जो है वो प्रॉफिट में आने ही वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं, रोज का एक ट्रेड भी करेंगे तो ओके। लेकिन कंसेप्ट जो है वो एक्यूरेट जो कंसेप्ट है वो डिलीवर करना मेरा काम है, ठीक है। और ये करना ही है, कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, प्रैक्टिस से आप आराम से सीख जाओ, ठीक है। और यहाँ एक चीज पूछना था, हाँ पूछिए। जस्ट मार्केट ज्यादा वोलेटाइल होता है तो ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड चेंज होता है ज्यादातर ना? नहीं, जैसे तुरंत थोड़ी चेंज होता है, ओके, और चेंज भी हो गया तो मॉर्निंग में हो जाएगा ना, तो मॉर्निंग में जैसे आज देखो निफ्टी का ट्रेंड है, मैं क्या करता हूँ जैसे ही करेक्शन जब आता है ना मैं वीडियो डाल दे आज निफ्टी का डाला, ओके, तो ग्रुप पे मैं वो अपडेट करता हूँ, ठीक है। जो स्क्रिप्ट में करेक्शन आया है ना तो अपने आप आपका लेवल मैच नहीं होता है, आप बोलते हो सर लेवल मैच नहीं हो रहा, तो हम बता देते कि उसमें करेक्शन आया है। तो अभी देखो ये पूरा दिन तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी करेक्शन की, ठीक है। रिलायंस का हो रहा है सर, हाँ होता है सर, वो एग्जांपल जैसे आते हैं ना तो होता है, तो मैं आपके लिए एग्जांपल भी जो आपको मतलब एकदम क्लियर कट वहाँ पे सब चीजें हुई है वैसा एग्जांपल भी मैं आपके लिए देखो निकाल के रखूंगा, तो 2 दिन एग्जांपल चलेगा उसमें सब चीजें आएंगी। लेकिन चेंज ऑफ ट्रेंड का जो कंसेप्ट है ना वो आपको अंडरस्टैंड करवाना, मेरा थ्योरी अंडरस्टैंड करवाना पहले मेरा टारगेट रहेगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि आप स्विंग हाई से कैलकुलेशन कर रहे हो और आपको सेल ट्रेड मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ट्रेड बिंदास लेना है, मतलब ये चीज जो है ना जो ऑप्शन में अगर आप आगे जाके काम करेंगे ना तब आपको ये चीज समझ में आएगी इसका इम्पोर्टेंस। बाकी तो आप सीधा इक्विटी कैश पे बाय मिला तो बाय, सेल मिला तो सेल डाल रहे हो, टारगेट स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो ठीक है, लेकिन ट्रेंड एनालिसिस जो करना बोलते हैं आगे जाके हमें
हमें तो उसमें करना ही है ना काम, स्टेप बाय स्टेप तो अपना लेवल बढ़ती जाएगा, एंड ऑफ द मंथ तक हमें ऑप्शन में भी काम करना, तो इसीलिए ये सब कंसेप्ट आपको डिलीवर होना जरूरी है। बाकी तो इसका आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, लाइव मार्केट पे डेडिकेटेड स्टाफ अवेलेबल है, वो भी आपसे 10 बार ही ये चीज करवा लेगा। इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका और मेरा लेवल मैच होना चाहिए। अगर लेवल मैच नहीं होता है, जैसे आज निफ्टी का लेवल लोगों का मैच नहीं हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि करेक्शन किया था, जिनको कंसेप्ट मालूम है उनका मैच हो गया, जिनका मैच नहीं हुआ उन्होंने पूछा, उनको वो एनएडएस पे जाके हमने करेक्ट करवा दिया, तो अंडरस्टैंडिंग आ गया, स्टेप बाय स्टेप ये चीजें होती जाएंगी। तो इम्पोर्टेंट मेरे लिए क्या है कि जब आप स्विंग हाई से कैलकुलेशन कर रहे हैं और आपको सेल ट्रेड मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही कैलकुलेशन कंटिन्यू होगा, क्योंकि कल भी मैं रेड कैंडल देख रहा था और सेल ट्रेड मिलने के बाद भी मैं रेड डिसिसिव कैंडल ही देखने वाला हूँ मार्केट पे। लेकिन स्विंग हाई से कैलकुलेशन किया है, कल मैं रेड कैंडल देख रहा था और अभी मैं अगर मार्केट ने बाय ट्रिगर कर दिया है, ओके ऑलरेडी मार्केट बाय में आ चुका है, तो मुझे तो अभी ग्रीन कैंडल देखना है, तो रेड कैंडल पे से अभी ग्रीन कैंडल जब भी देखना चालू करना है, तो मार्केट तो सीधा रेड से ग्रीन बनाता है, मतलब ऊपर से नीचे आएगा और नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये केस में मार्केट स्विंग बनाएगा, ओके मतलब नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है और फिर ग्रीन कैंडल बना रहा है, मतलब ऊपर ही जा रहा है ना, तो वो टाइम पे जो भी लेटेस्ट कैंडल रहेगा उसका यूज हमें करना है। तो जैसे अभी देखो मार्केट नीचे आ रहा था, रेड कैंडल देख रहे थे और आपका जैसे इधर बाय ट्रिगर हो गए, तो अभी पूरा मार्केट ऊपर नहीं गया है, लेकिन हमें एडवांस में पता चल गया ट्रेड फाइंडर से कि बाय पॉइंट ट्रिगर हो गए, तो ये जो भी स्विंग लो, ये लो जो मार्केट बनाएगा तब लेटेस्ट, ये लो अपना स्विंग लो हो जाए, ओके तो ये स्विंग लो तक खाली मुझे क्या करना है, डाउन फेज कर लेना है पूरा, क्योंकि इनिशियल फेज मतलब क्या, स्विंग लो जब बीच में आएगा तब जो लेवल मिलेगा वो इनिशियल फेज रहेगा, वो किसके लिए रहेगा, वो ये जो अप ट्रेंड अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है उसके लिए वो इनिशियल फेज रहेगा, फिर वो इनिशियल फेज के बाद मैं ग्रीन कैंडल देखना चालू करूँ, तब जो लेटेस्ट ग्रीन कैंडल रहेगा उसका ओपन यूज कर लूंगा, तो फिर मुझे नया लेवल मिलेगा, तो इसमें वो डिफरेंस आता है थोड़ा। आप पहले लेवल पे बैठे रहेंगे तो कभी कभी क्या हो जाएगा कि आपका एक स्टॉप लॉस ज्यादा चला जाएगा, जो करंट करेक्शन करेंगे उनका स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, ओके वो एक चीज। तो फिर यहाँ से क्या होता है, कभी कभी देखो मार्केट ऐसा ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद मार्केट फिर से आपका इधर तो बाय ट्रिगर हो गया, आपको बाय नहीं लेना है, आपको करेक्शन करना है, फिर यहाँ से ना मार्केट ऐसा नीचे आता है और नीचे आके फिर मार्केट जो ऊपर जाता है वो दिन भर ऊपर ही चले जाता है, तो ये जो पुल बैक आता है ना मार्केट में, ये पुल बैक में आपको बॉटम पे ही बाय करने मिलेगा अगर आप करेक्शन का फंडा यूज करेंगे तो, ओके और नहीं करते तो ये डिफरेंस आपका नहीं आएगा, आपको यही से बाय करना पड़ेगा, मतलब जो करेक्शन करेगा वो 40 पॉइंट कमाएगा, जो नहीं करेगा वो 20-25 पॉइंट कमाएगा, ओके ये हो जाए। लेकिन किसी भी हालत में आपको स्टॉप लॉस वो नहीं रखना है पुराने लेवल का, जो लेवल स्विंग हाई वाला था, आपको करेक्शन करके जो नया सेल पॉइंट आएगा वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा, भले आप एंट्री एडवांस में कर लो, ठीक है स्टॉप लॉस आपका चेंज हो जाएगा। तो मेरे लिए स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस दिया और वापिस ऊपर चला गया, ये चीज नहीं होना, ठीक है। सो मार्केट के साथ में हमें चेंज होना है, और आप रोज का एक ही ट्रेड करना है ऐसा ही सोच के बैठे हो तो फिर आपको ये कंसेप्ट में जाने की भी जरूरत नहीं है। सुबह मार्केट खुलते ही बाय पॉइंट सेल पॉइंट दोनों को ऑर्डर लगा दो, उनमें से जो पहले मिल जाएगा वो ट्रेड ले लेंगे, अपोजिट ऑर्डर उसका स्टॉप लॉस हो जाएगा और उसका जो हाफ प्रॉफिट है उस पर हम टारगेट लगा देंगे, बस एक तो टारगेट या फिर स्टॉप लॉस, लॉस होता है या प्रॉफिट होता है जो भी होता है दूसरा ट्रेड में दूसरे दिन ही डालूंगा, ऐसा भी काम करेंगे तो भी महीने में आराम से आपको 30-40% से ज्यादा ही रिटर्न आएगा, 30% तो कहीं नहीं गया, आपको मिनिमम आ जाएगा आपके कैपिटल, ओके तो ये भी कंसेप्ट हमने रखा ही है ना, उतना करेंगे और करेक्शन कर लेंगे तो 30 की जगह पे 50-60 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका कंफर्ट जोन देखो क्या है, आप अगर हर आधे घंटे में आधे पौने घंटे में मार्केट देख सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, और जिसको किसी को मोबाइल अलाउड ही नहीं है, मॉर्निंग में एक बार ट्रेड लगा दिया तो फिर वैसा काम करो आप, फिर बाद में मार्केट ही नहीं देख सकते। लेकिन कितना भी बिजी बंदा रहेगा, इंट्राडे करते हो तो हर आधे पौने घंटे में आके इतना तो चेक कर सकते कि डिसेसिव कैंडल बनाए कि नहीं बना। इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, कितना भी बिजी रहेंगे आप इंट्राडे कर सकते, लेकिन एकदम से चार स्क्रिप्ट में ट्रेड डालेंगे तो कंफ्यूज,
एक ही स्क्रिप्ट कंसिडर कर लो और पूरा महीना भर या जब तक वो कंसेप्ट आपका पूरा दिमाग में बैठ नहीं जाता है, एक हफ्ता दो भी एटलीस्ट एक ही स्क्रिप्ट में आप ट्रेड करो और वो भी थोड़े थोड़े क्वांटिटी से ही करो। एक हफ्ता इतना कर लेंगे ना तो नेक्स्ट वीक से जितना कैपिटल है ना पूरा कोर्स में लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इतना आपको करना है, ठीक है। बाकी लाइव मार्केट पे तो हम यही आपको सपोर्ट करें। कुछ डाउट है? आगे जाना है? यस सर। बाकी इसका कल वापस रिवीजन होगा पूरा, जैसा नया एग्जांपल लेंगे तो कल हम कोई कमोडिटी का भी एग्जांपल लेके देखेंगे, करेंसी का भी देखेंगे, इंडेक्स का देख लेंगे, इक्विटी कैश का, तो सबका एक एक एग्जांपल देखेंगे और उसमें लाइव मार्केट पे क्या हुआ है, जिसे अभी करेक्शन तो मैंने बता दिया ना, फिर मैं आपको अभी लाइव मार्केट पे एनालिसिस बता सकता हूँ। तो कल वो लाइव मार्केट पे जो एनालिसिस हुआ है वो भी देखेंगे। आज थोड़ा सा क्या करेंगे, ये वीडियो थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, जो मैंने नोट्स डाला है वो नोट्स को थोड़ा रीड कर लेंगे, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। ओके, फिर कल बैठेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ कि यही सिस्टम को मोबाइल पे कैसे यूज करना है उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन, जो कल भी देना था हमारा रह गया था, तो उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। एक कैलकुलेशन मोबाइल पे भी करके देखेंगे, तो उसमें फिर चार्ट कैसे ओपन करना है, क्या है टूल, कैसे ओपन करना है, वो सब चीजें जो है वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो और आपको सपोर्ट कैसे मिलेगा वो चीज भी आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड हो जाएगी, कि आपको लाइव मार्केट पे सपोर्ट चाहिए, डेडिकेटेड स्टाफ से सपोर्ट आपको चाहिए, तो आप बोलेंगे वो सुनेगा, फिर फोन पे एक्सप्लेन नहीं होता है, तो इसके लिए प्रैक्टिकली आपको कनेक्ट करना होता है, तो रिमोट एक्सेस उसको बोलते हैं। तो एक रिमोट एक्सेस ऐप आता है एनीडेस्क करके, तो जब भी आपको सपोर्ट की जरूरत है तब आप वो इंस्टॉल कर लो मोबाइल में, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपका स्क्रीन जो है वो मुझे मेरे लैपटॉप पे दिखता है, तो आप क्या कर रहे हो एग्जैक्टली वो मुझे समझ में आता है, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो अपना कॉल तो चलता ही है, कॉल चलते चलते नेट भी चलता है तो एनीडेस्क भी चलता है। अगर किसी का ऐसा प्रॉब्लम है तो उसे क्या करना है, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे आपको कॉल कर लेना है, मतलब आपका बोलने बात भी चलेगा और नेट भी चलेगा। ओके, सो वो स्टाफ आपको गाइड कर देगा पूरा किसी भी। वैसे तो जूम मीटिंग पे भी आप ये रिमोट एक्सेस ले सकते हो। ओके, तो ये सबसे इजी एनीडेस्क है। तो यहाँ पे क्या करना है कि यही ऐप जो है आपके मोबाइल में भी रहेगा, तो ये आपका एक आईडी होता है, ये आईडी खाली आपको मुझे बताना है। जैसे अभी मेरे मोबाइल का जो आईडी है वो मैं यहाँ पे डालता हूँ 5105386 95। ओके, सो मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट डाल दिया, जैसे आपका मोबाइल है उसका स्क्रीन देखने का मैंने रिक्वेस्ट यहाँ से जो है वो डाल दिया, तो आपके मोबाइल पे एक पॉपअप आएगा कि ऐसा ऐसा डिवाइस है वो आपका स्क्रीन शेयर कर रहे होगा, तो आपको खाली एक्सेप्ट कर देना। तो अभी जैसे मैंने एक्सेप्ट किया और स्टार्ट नाउ कर देता हूँ, तो ये मेरा मोबाइल यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो, ठीक है। तो अभी आपका कोई लेवल मैच नहीं हो रहा है तो मैं बोलूँगा बताओ कैसे लेवल निकाला, मोबाइल पे आप जैसे निकालेंगे तो मैं देखूंगा, तो मोबाइल पे लैपटॉप पे दोनों पे हो सकता है। तो अभी सबसे पहले तो मोबाइल में चार्ट कैसे देखना है, चार्ट ओपन जो करना होता है, तो ये मार्केट पल्स ऐप देखो यहाँ पे नीचे दिख रहा है, ये ऐप मैंने आपको बोला था आपने इंस्टॉल किया रहेगा, तो ये ऐप पे थोड़ा हम देख लेते हैं कि ऐप इंस्टॉल करेंगे तो मोबाइल नंबर डाल देना है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका। ऐप ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे देखो अलर्ट स्कैनर वॉच लिस्ट ऑप्शन होता है, तो वॉच लिस्ट में जाएंगे तो आपको जो भी स्टॉक है वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें न्यूज वगैरह बाकी भी है तो वॉच लिस्ट देखना है, किसी किसी को स्टार्ट करते ही शायद लीक हो गया कहीं पे, जैसे अलर्ट पे तो ये ऐसा विंडो दिखेगा, आप बोलेंगे सब्सक्रिप्ट नहीं दिख रहा है, तो नीचे देखना है ये वॉच लिस्ट ऑप्शन पे जाना है। फिर वॉच लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे प्लस साइन होता है, या फिर यहाँ पे वॉच लिस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आपके हिसाब से आपको क्रिएट न्यू करके आपका खुद का वॉच लिस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे मैंने कमोडिटी बनाई, इसमें सब कमोडिटी स्टॉक रहेगा, मेरा जो भी होल्डिंग है वो स्क्रिप्ट यहाँ पे मैंने ऐड करके रखा है, तो आपका कस्टमाइज वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ही रहने दो उसको, और उसी में ऐड अगर कोई स्टॉक करना है तो ये प्लस साइन पे क्लिक करना है। ओके, और फिर जैसे आपको
एसआरएफ बोला था सर ने, तो एसआरएफ का मुझे स्क्रिप्ट ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं एसआरएफ टाइप कर दूंगा, ये एसआरएफ आ गया, क्लिक कर लेंगे उसको। तो एसआरएफ में आपको देखो फ्यूचर का चाहिए चार्ट, ठीक, कैश का चाहिए, तो मुझे इक्विटी कैश का चाहिए, मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसे वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया। तो ये सब स्टॉक है, जिसको जो नहीं चाहिए आप यहाँ से निकाल भी सकते, ठीक है, तो सेव कर देंगे तो ऐड हो जाएगा। तो वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हो, या फिर आपको डायरेक्टली सिर्फ चार्ट ही देखना है, वॉच लिस्ट में ऐड नहीं करना है, तो सिर्फ डायरेक्टली यहाँ पे सर्च ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे भी आप कोई भी कंपनी का नाम डाल देंगे, जैसे मैंने अल्केम डाला है, तो सीधा चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वॉच लिस्ट में नहीं रहेगा, फिर बार बार वापस से आके, तो कोई स्टॉक आपका फिक्स है उसको वॉच लिस्ट में आपको ले लेना है, ठीक है। तो वॉच लिस्ट में आने के बाद ऐसा दिखेगा, तो यहाँ पे रेट भी आपको लाइव मार्केट का देखने मिल जाएगा। फिर आपको जैसे अभी LNT का चार्ट देखना है तो क्या करेंगे, या फिर ये SRF नीचे ऐड किया था तो ऐड हो, तो ये सब मैंने स्क्रिप्ट ऐड करके रख। सपोज आपको LNT का चार्ट देखना है तो क्या करेंगे, सिंपली LNT पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद ये चार्ट ओपन, ठीक है। और चार्ट ओपन हो जाने के बाद अभी मैंने क्या बोला है, इंट्राडे के लिए आपको क्या करना है, NSE में 15 मिनट्स का हाइकी नाशी चार्ट लगाना है। तो हाइकी नाशी चार्ट ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा, ये देखो यहाँ पे ये कैंडल्स दिख रहा है ना, ये ऑप्शन को अगर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा कैंडल स्टिक, हाइकी नाशी, लाइन बार, जो भी चार्ट है, तो हम हाइकी नाशी सिलेक्ट कर लेंगे, ओके। और टाइम फ्रेम वन डे का लगाना है, 30 मिनट है, जो भी है, तो यहाँ पे हम 15 मिनट टाइम फ्रेम जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो हो गया, यहाँ तक चार्ट आ गया आपके सामने 15 मिनट्स का। अभी मुझे देखना है कि लेटेस्ट डिसेसिव रेड कैंडल सपोर्ट, दैट मुझे देखना है, जूम कर लेता हूँ इसको। तो लेटेस्ट डिसेसिव रेड कैंडल, जैसे ये कैंडल मुझे दिख रहा है रेड, अभी इसका ओपन हाई लो क्लोज दिख रहा है क्या, लेकिन यहाँ पे तो वो देखने के लिए आपको यहाँ पे एक कर्सर का ऑप्शन होता है, इसे क्लिक कर देंगे, और फिर आप अगर आपका कर्सर जो है वो कैंडल पे लेके जाएंगे तो खाली वर्टिकल लाइन लेके जाना है, तो आपको यहाँ पे देखो ओपन हाई लो क्लोज दिख के आएगा, वो HLS जो मैं आपको कंप्यूटर पे बताता हूँ वैसे यहाँ पे लिख के आ जाएगा। तो जो भी कैंडल पे जैसे जैसे आप कर्सर मूव करते जाएंगे उसका ओपन हाई लो क्लोज यहाँ पे लिख के आ जाएगा, ठीक है, ये तरीके से। अभी आपको जैसे पीछे जाना है, आगे पीछे जाना है चार्ट पे, तो जब ये कर्सर सिलेक्ट करेंगे तो जितना स्क्रीन पे उतने पे ही आपका कर्सर जाएगा, तो आपको जैसे पीछे जाना है तो अभी पीछे नहीं जाएगा, ये लाइन आ गया, तो वापिस से ये ऑप्शन को जो है हटा देंगे यहाँ से, ओके। और अभी आप आगे पीछे कर सकते हो चार्ट को, जूम, जूम आउट, जूम इन, वो सब चीजें कर सकते हो। और जैसे आपको लगता है कि आपको ये ग्रीन कैंडल है इसका आपको वैल्यू देखना है, बस स्टॉप हो जाओ यहाँ पे, अगेन इसको क्लिक कर लेंगे और ये ग्रीन कैंडल पे कर्सर लेके जाएंगे तो आपको ओपन हाई लो क्लोज वैल्यू मिल जाएगा, ओके। तो ये चार्ट यूज कैसे करना है वो हो गया, आज के वीडियो में आ गया है, तो आप वो देख के मोबाइल पे प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं करता हूँ पॉज कर लेना है, वैसे ही मोबाइल में करना है, स्टेप बाय स्टेप आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अभी इसका यूज करके हम क्या करेंगे, लेवल निकाल के देखेंगे। तो ट्रेड फाइंडर जो है उसका एक्सेस के लिए आपको क्या करना है, गूगल क्रोम ब्राउजर होता है, कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हो, पर गूगल क्रोम प्रीफर करो। गूगल क्रोम में जाएंगे, ओके, cityacademy.co.in वेबसाइट डाल के लॉग इन कर लेना है। तो एक बार यहाँ पे लॉग इन हो जाएगा तो ये पेज खाली क्लोज नहीं करना, लॉग इन हो गया, सेव पासवर्ड ऑप्शन आता है तो सेव कर लेना पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखो 21 पेजेस मेरा दिखा रहा है, तो बाकी तो चलो मैं क्लोज कर दूंगा, बट ये जो पेज है इसे आपको कभी क्लोज नहीं करना, ठीक है। तो इसे क्लोज ही नहीं करेंगे तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा, ऑलवेज वही पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे टूल कहाँ पे दिखेगा मुझे, तो ये तीन लाइन को क्लिक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो टूल आ जाएंगे, देखो ट्रेड फाइंडर इंट्राडे, एक इंट्राडे पे मैं क्लिक करता हूँ, और फिर वापस वो तीन लाइन को क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। तो मोबाइल में आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस टूल तभी दिखेगा, ठीक है। फिर इसके बाद बाकी तो सेम है,
सिलेक्ट एक्सचेंज में, जैसे अभी हम एलएनटी का ही देख लेते हैं, तो एनएससी एक्सचेंज सिलेक्ट किया, इंस्ट्रूमेंट में इक्विटी, सिंबल में एलटी आ गया, सजेस्ट कैप्शन में एलटी नाम दे देता हूं मैं, और एंड डेट में जैसे 30 तारीख के लिए निकालना है तो 29 तारीख आ गया। ये डाटा किया, ये डेटा आ गया। ओके, कैलकुलेट बटन पे क्लिक करेंगे अभी, ओके तो यहाँ पे जो है ना नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको रेड और ग्रीन एरो अप फेज या डाउन फेज बटन तुरंत नहीं दिखेगा, तो आपको फेज कैलकुलेशन में स्क्रॉल कर लेना है, तो आपको ये बटन आ जाएगा अप फेज और डाउन फेज। ठीक है, तो स्विंग क्या आया था हमारा, स्विंग हाई आया है तो मुझे सबसे लेटेस्ट डिसेसिव रेड कैंडल देखना है। क्या करेंगे, वापिस से मार्केट पल्स पे जाएंगे तो बैक बटन नहीं दबाना, ये बैक बटन गलती से दबा देते तो ये जो मल्टी विंडो का बटन होता है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सीधा ये चार्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, जो हमने ओपन करके रखा, या सीधा मेन मेनू पे आके चार्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे अभी देखेंगे कि लेटेस्ट डिसेसिव रेड कैंडल मुझे देखना है तो पीछे से देखना स्टार्ट करेंगे तो ये कर्सर मैंने यूज कर लिया और वर्टिकल लाइन ये कैंडल पे लिखे, तो ये रेड कैंडल है, इसका ओपन इक्वल टू हाई है क्या, अभी शायद आपको वैल्यू बहुत छोटा दिखता होगा, रीडेबल है क्या, ओपन क्या है 1728.14 और हाई भी सेम है, तो ओपन इक्वल टू हाई तो है, कैंडल प्लेन है, बट दूसरा जो कंडीशन है कि कैंडल इनसाइडर नहीं होना चाहिए, तो ये पिछला जो कैंडल है ना उसका वो इनसाइडर है, ये कैंडल का लो देखो क्या है 1717 और इसके पिछले कैंडल का लो क्या है 1716 ओके 0.60, तो 40 पैसे से ये कैंडल ऊपर ही है, मतलब ये इनसाइडर कैंडल हो गया, तो इसे हम यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे फिर, इसका पिछला वाला कैंडल देखेंगे, तो ये कैंडल का ओपन इक्वल टू हाई है 1732.20 और ये इनसाइडर भी नहीं है पिछले किसी कैंडल का, तो ये कैंडल मेरे लिए डिसेसिव हो गया, फिर इसका ओपन हमें नोट करना है 1732.20। अभी क्या करेंगे, वापस से टूल पे जाएंगे 1732 ओके, तो यहाँ पे कितना है 1797, तो क्या करना पड़ेगा, डाउन फेस करना पड़ेगा, डाउन फेस क्लिक करने के बाद ये देखो ऊपर मैसेज आता है गेट डाटा सक्सेसफुली, वो जैसे ही आ जाएगा अगला क्लिक कर दे, 1732 से कम यहाँ पे जब तक नहीं दिखता है हम डाउन फेस करते जाएंगे, 1757 आ गया, 39 आ गया, 30 आ गया, स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका लेवल यहाँ पे सीधा ऊपर ही डिस्प्ले हो जाता है 1744 पे बाय और 1735 पे शॉर्ट सेल। तो कल अपना स्विंग जो है वो स्विंग हाई है, तो दूसरे दिन अगर आपको शॉर्ट सेल का ट्रेड मिल जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही लेवल रहेगा, खाली जो भी लेटेस्ट डिसीसिव रेड कैंडल बनते जाएगा आगे उसका ओपन यूज करके हम डाउन फेस करते जाएंगे और वो आए हुए नए लेवल पे हम हमारा टॉप लॉस या एंट्री नहीं हुआ है तो एंट्री लेते जाएंगे। ठीक है, करंट पे जाते जाएगा, लेकिन कल अगर आपको 1744 का बाय मिल जाता है तो अगर आप मार्केट के सामने हो तो आप करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, मतलब वो जो भी लेटेस्ट लो बना रहेगा वो लो तक डाउन फेस करेंगे फिर लेटेस्ट ग्रीन कैंडल देख के अप फेस कर देंगे बस, ये तो मोबाइल पे ये तरीके से आपका काम हो जाएगा और ऑर्डर भी लगाना है।
ऑर्डर लगाने का भी यहाँ पे, जैसे अभी मुझे एल एन टी में लगाना है ऑर्डर, तो प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे मैं एल एन टी ऐड कर लेता हूँ। ओके, क्लिक करने के बाद बायर से विंडो आ जाएगा, बाय पे क्लिक करेंगे। तो अभी देखो, सबसे पहले जो मैंने आपको नोट करवाए थे कि ऑर्डर कैसे लगाना है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, इंट्राडे आएगा, ठीक है। फिर क्वांटिटी, एक क्वांटिटी रखते हैं। ऑर्डर टाइप इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर टाइप मैंने क्या बोला है, स्टॉप लॉस लिमिट लेना है आपको, स्टॉप लॉस मार्केट नहीं यूज करना है। स्टॉप लॉस मार्केट यूज करेंगे तो ट्रिगर प्राइस आएगा बट प्राइस नहीं आएगा, तो वो केस में आपका ट्रेड जो है मार्केट ट्रेड पे चला जाएगा। तो स्टॉप लॉस लिमिट यूज करना है, या खाली स्टॉप लॉस लिखा रहता है वो यूज करना है, ठीक है। तो पहले पहले क्या है, कुछ कंफ्यूजन ऐसा लगता भी है तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना टेलीग्राम पे, मैं ओके बोल दूंगा तो ऑर्डर प्लेस कर दे। फिर यहाँ पे आ जाएगा प्राइस, तो बाद में देखेंगे, पहले ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस में हमें क्या डालना है, जो भी अपना बाय पॉइंट है, बाय पॉइंट कितना है 1744, इसको राउंड अप कर ले, बाय पॉइंट को ऊपर के साइड में राउंड अप करना है और सेल पॉइंट को नीचे के साइड में राउंड अप करना है, क्योंकि 0.33 ऐसा वैल्यू नहीं लेगा, तो मार्केट 0505 के एंडिंग नंबर से चलता है, तो वो 0.30 दोगे तो भी चलेगा या 0.40 दोगे तो भी चलेगा, बट ये स्क्रिप्ट का प्राइस ज्यादा है तो सीधा एक रुपया जो है राउंड अप कर लेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो 1744 अपना बाय पॉइंट हो गया, ओके। और टेक एंट्री अप टू पॉइंट को राउंड अप करेंगे ऊपर के साइड में तो 1745 हो जाएगा। तो ट्रिगर प्राइस में आ जाएगा मेरा कंफर्मेशन पॉइंट, बाय एंट्री पॉइंट 1744। तो ट्रिगर प्राइस सबसे पहले डालेंगे, प्राइस पहले आता है तो प्राइस में 1744 डालेंगे तो फिर ट्रिगर प्राइस में प्रॉब्लम हो जाएगा। जिससे अभी मैं प्राइस में सपोज दैट 1744 डालता हूँ, ओके सॉरी प्राइस में 1744, और ट्रिगर प्राइस में फिर आप बोलेंगे क्या डालना है, तो गलती से आपने क्या किया कि ट्रिगर प्राइस में आपने 45 डाल दिया, टेक एंट्री अप टू पॉइंट। और अगर आप इसको प्रीव्यू करेंगे या रिप्लेस करेंगे, तो क्या मैसेज आएगा, ट्रिगर प्राइस शुड बी लेस देन प्राइस, ओके। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, तो वैसे मैसेज भी आ जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे, ट्रिगर प्राइस शुड बी लेस देन प्राइस, तो ट्रिगर प्राइस में आप फिर कर देंगे 43, तो गलत हो जाएगा ना, जैसे तो यहाँ पे 43 कर दिया, बट अभी प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि 43 जैसे ही आ जाएगा आपका ट्रेड मिल जाएगा और हम 44 पे बैठे, तो वैसा होता है। तो इसीलिए क्या करना है, जो मैंने बताया वो ध्यान में रखना है कि ट्रिगर प्राइस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रिगर प्राइस पे मेरा बाय एंट्री पॉइंट डालो और फिर उससे बताओ कि ट्रिगर प्राइस पहले ट्रिगर होगा बाद में प्राइस आएगा, तो कितने के कितने रेंज में मुझे ट्रेड लेने, तो भाई एक रुपए के डिफरेंस में मुझे चल जाएगा। तो ट्रिगर प्राइस आ जाएगा आपका पहले बाय एंट्री पॉइंट और टेक एंट्री अप टू पॉइंट या उससे ज्यादा, टेक एंट्री अप टू नहीं मालूम है तो उससे ज्यादा सेम भी डालेंगे, कोई कोई ब्रोकर में सेम भी लेते हैं, इसमें नहीं लेते, ठीक है। तो मोस्टली अभी नहीं लेते, ट्रिगर प्राइस शुड बी लेस देन प्राइस ऐसे ही बोलेंगे, तो प्राइस में आ जाएगा आपका 741745, ठीक है। और मार्जिन देखो कितना लग रहा है, 349 रुपीज ही लग रहा है, 1700 रुपए का स्टॉक बाय करने के लिए इंट्राडे में 350 रुपया ही लग रहा है, तो इधर मार्जिन भी लिख के आता है। ये तरीके से जो है आपका ऑर्डर लगेगा, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ आप इससे, ये भी मैं शेयर कर दूंगा। तो मोबाइल पे कैसे दिखेगा ये यूजर इंटरफेस वो भी मैं शेयर कर दूंगा, बस बाद में आपको रिव्यू करना है, फिर अगेन इसको वेरीफाई कर लेंगे और बाय बोल देंगे, ओके। तो मार्केट क्लोज है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से सपोज दैट ये ऑर्डर आपका लग गया, ओके, पेंडिंग है, तो अभी क्या करना है कि तुरंत आपको अगेन वॉच लिस्ट पे जाना है और वॉच लिस्ट में जाके तुरंत आपको और एक ऑर्डर, शॉर्ट सेल का ऑर्डर जो है वो प्लेस कर देना है, ठीक है। तो सेल पे क्लिक करेंगे, दोनों ऑर्डर साथ में ही लगाना है,
सेल पॉइंट क्या है हमारा 1735 और टेक एंट्री आपको हो जाएगा 1734। नीचे के साइड में राउंड अप करेंगे ना तो ट्रिगर प्राइस में आ जाएगा 35 और प्राइस में आ जाएगा 34। ट्रिगर प्राइस मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, प्रोडक्ट इंट्राडे हो गया, क्वांटिटी वन कर दिया, बाय डिफॉल्ट सेटिंग अभी आपने वैसा किया है तो वो सेव कर लेता है, बाय डिफॉल्ट ऐसे लिमिट ही आ गया। ट्रिगर प्राइस में मैं डालता हूँ 1735 और प्राइस में आ जाएगा टेक एंट्री अप टू 1734। ओके, तो ये आपका सेल ऑर्डर ये तरीके से हो जाएगा, तो इसे भी आपको रिव्यू कर देना है। सेल बोल देने तो दोनों ऑर्डर आपका पेंडिंग रहेगा और जैसे करंट फेज आता है तो यहीं पे ऑर्डर को क्लिक करेंगे तो मॉडिफाई का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो अभी तो कैंसल्ड ऑर्डर है तो मॉडिफाई नहीं आएगा, वहाँ वहीं से आप उसी ऑर्डर का खाली प्राइस मॉडिफाई करते जाएंगे तो आपका वो ऑर्डर ऊपर ऊपर लगते जाएगा या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने का भी वही प्रोसीजर। ये तरीके से मोबाइल पे आराम से होता है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, लैपटॉप से तो फास्ट ही हो जाता है मोबाइल, ठीक है। तो काम करेंगे वैसे हैबिचुअल हो जाएंगे, काम हो जाएगा तो ये एनी डेज जो है उसको क्लोज कर देना है। ठीक है, अभी किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो। सर मेरा क्वेश्चन था एक एक्चुअली शॉर्ट सेलिंग का ऑप्शन नहीं है अब स्टॉक में। शॉर्ट सेलिंग मतलब सेल ही रहता है ना, शॉर्ट सेल लिख के नहीं आता है, आप इंट्राडे बोलेंगे तो उसे मालूम है शॉर्ट सेल का ट्रेड है, लेकिन आप डिलीवरी अच्छा। रखेंगे और सेल ऑर्डर डालेंगे तो वो रिजेक्ट कर देगा, वो बोलेगा आपके पास डिलीवरी है ही नहीं तो रिजेक्ट कर देगा, लेकिन इंट्राडे करेंगे तो ऑर्डर को सेल ही रहेगा ना, सेल ही ऑर्डर रहेगा, बट इंट्राडे करेंगे तो वो शॉर्ट सेल हो जाएगा। ओके सर, ओके, बाकी कुछ नहीं। आप एक ऑर्डर लगा के देखो ना, कल एक शेयर से ऑर्डर लगा के देखो। हाँ सर, लगा दे। ओके, सिंपल, थैंक दिया आप, हम हेलो सर, बोलिए सर। सर एक बड़ा जीरो दावर दाखवा ना ऑर्डर। सेम है सर, कुछ अलग नहीं है, जीरोधा और अपस्टॉक सेम ही है। M&M में वह ऑर्डर लगा था, तो ये देखो इंट्राडे कर लेंगे, ओके 812 चल रहा है, तो लेट सपोज दैट मेरा लेवल है 816 पे मेरा बाय है, ओके तो सबसे पहले तो मैंने क्या बोला है कि आपको ऑर्डर टाइप देखना है, प्रोडक्ट टाइप इंट्राडे हो गया, ऑर्डर टाइप में यहाँ पे एसएल कर लेंगे, एसएल, ओके, यहाँ पे एसएल में फिर आ जाएगा यहाँ पे मेरा टेक एंट्री पॉइंट जो 816 और प्राइस में आ जाएगा उससे ₹1 ज्यादा, बाय कर रहे तो प्राइस ज्यादा रहेगा ट्रिगर प्राइस से और शॉर्ट सेल का ऑर्डर डाल रहे तो प्राइस कम रहेगा, ठीक है, और क्वांटिटी एक ही रखा है मैंने, बस ये जीरो दाखा हो गया आपका, ठीक है, सेम ही कुछ है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं। और उसी तरीके आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल लो सर। ओके सर, ओके, और इसी प्रकार आपको अगर सेल ऑर्डर लगाना है तो सपोज दैट आपका शॉर्ट सेल है 810 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 810 और ट्रिगर प्राइस, प्राइस में आ जाएगा ₹1 कम,
और वो सेल ही रहेगा, बाकी कुछ चेंजेस नहीं, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल। ठीक है, ठीक है, तो ये जीरो दाम में हो जाएगा आपका। और किसी का डाउट? सर एक करेक्शंस को लेके आज का एक था, अगर जो आज अपने को वो मिला था बैंक निफ्टी में शॉर्ट सेल का अपने को वो मिला था आपके ग्रुप से, तो उसमें वो ट्रिगर पॉइंट आने के बाद मार्केट और ऊपर गया था, तो क्या वहाँ कुछ करेक्शन था क्या? हाँ, वो बैंक निफ्टी में वही बोलता हूँ ना सर, करेक्शन होने के बाद जो लेवल आता है ना, वो जो मार्केट जहाँ पे चल रहा है उससे ऊपर सेल पॉइंट रहता है आप ऑब्जर्व करेंगे तो, और फिर मार्केट क्या करता है वहां से ऊपर जाता है, कहाँ तक जाता है करेक्शन के बाद जो सेल पॉइंट आता है ना वहां तक जाता है, और फिर वहां से जो सेल मिलता है फिर मार्केट। ओके, तो उसमें जाएंगे अभी, थोड़ा एग्जांपल भी देख लेंगे। तो आप क्या करो, आज लाइव मार्केट पे जब बैंक निफ्टी का ट्रेंड रिवर्स हुआ था ना, तो आप करेक्शन करके देखो और फिर देखो कि आपको ऊपर मार्केट ऊपर जाके आपका सेल लेते और फिर नीचे आया है कि नहीं, वो जरा बैक टेस्ट करके देखो, उसमें कुछ क्वेरी आता है तो स्क्रीनशॉट या फिर मुझे टेलीग्राम पे मैसेज डालो। ठीक है, ओके सर, ठीक है सर। ओके, लेने के लिए मैं अभी ले सकता हूँ, लेकिन क्या होता है जो नए लोग है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, आज उनके लिए करेक्शन का नया पता आया है ना, तो पहले उनके दिमाग में वो बैठेगा ऑर्डर लगाने का भी नहीं। यस सर, वो समझ सकते हैं, इसलिए मैंने आपसे पहले पूछा। स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएंगे। ओके सर, चलो चलो चलो।